सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो इंडिया वर्सेस कतार लाइव स्ट्रीम, 14,000 व्यूज, 111 वॉच आवर्स, 111 वॉच आवर्स, तो कितना हमें पैसा मिलता है वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू एटीजेड टीवी। एंड आज एटीजेड टीवी पर हम करेंगे हमारा फर्स्ट व्लॉग वीडियो। मैंने बहुत दिनों से सोचा है कि एक व्लॉग वीडियो करते हैं, तो लेट अस डू वन। ओके, सो हम करेंगे आज, और आज हमारा एक स्पेशल गेस्ट होगा जो आपने एक लास्ट टाइम का लाइव स्ट्रीम में था, वो आज इस वीडियो में होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड हियर वी बैक विद अ स्पेशल गेस्ट जेंडर्न और जेंकॉक्स, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल हिम। And guys, this is my garden. So I'll show you all everything in this video. So first of all, we'll go to the end of the garden. You can see nice coconut trees. क्योंकि गोवा में है हम लोग, तो गोवा में coconut trees का कमी तो होता ही नहीं। So this is the end of the, okay? और let me show you from here to there. वहाँ पर जो है blue color का घर, वो हम लोगों का है। इतना तो बड़ा सा जगह है, very interesting, right? So I'll show you, थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। We'll go be going to two places. एक तो ये हमारा गार्डन है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, और दूसरा जो है वो होगा हमारा वो नया जो रूम हमने बनाया है, बैल्कनी, उसे अपग्रेड किया है, वहाँ पर जाएंगे। सो यस, सो जेन, हाउ डू यू फील? आई फील दिस गार्डन इज क्वाइट बिग एंड इको फ्रेंडली। किया अंग्रेजी वाली बात। तो यस, ऑफ कोर्स आपको पता है साइक्लोन आया था, तो बहुत बारिश हुई थी, तो जो सब जंगली पौधे जो है, ऑल द वाइल्ड प्लांट्स, वीड्स, दे आर ग्रोइंग। लेकिन कुछ कुछ अच्छे प्लांट्स जो हम लोगों ने लगाए हैं, जैसे कि ये जो मुझे पता नहीं क्या है, आम के पेड़ तो थे लेकिन काट दिया गया क्योंकि यू नो उनके आम ही नहीं आते थे। तो एक जो है हम जैन हम लोगों को दिखाएगा ये। ओके जैन, डू योर थिंग। हम लोग दिखाएंगे तुमको ये वाला फ्रूट। ओके, ये देखो, ये वाला, अभी ये वाला फ्रूट अभी कोटिन में भरा है, तो मैं ये करेगा। हाँ, जब फोड़ते हैं तो बहुत आवाज़ आता है, इससे तो नहीं आया, मतलब लगता है इसमें नहीं था कुछ। ये वाला निकालो, ये वाला। हाँ, मुझे फोड़ दो, तोड़ दो जैन। इस पे भी कुछ नहीं है, तोड़ दो। इसमें कुछ है। निकाला, क्या है पता नहीं, पर है कुछ। है कुछ ऐसे फ्रेंच बीन्स जैसा लग रहा है। तो ओके, नॉट टॉकिंग, आम का पेड़, बनाना ट्री, आम का पेड़, कोकोनट ट्री, थोड़ा छोटा वाला, बड़े वाले कोकोनट ट्रीज, और ब्यूटीफुल स्काई, और बनाना ट्री, और केले का पेड़। अभी यहाँ वहाँ पेड़ है, लेकिन कौन कौन से पेड़ वो पता नहीं। मम्मी ने लगाया तो लगाया, पेड़ ही तो पेड़ ही। हाँ, ऑक्सीजन बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा हवा मिलता है। हाँ, और हवा के बाद वो हमारा छोटा सा पपीता, पपाया ट्री, बहुत छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा, जो हम लोगों का जो वायरस, वाइल्ड ट्री, पता नहीं क्या है। और ये जो जेंडर ने तांबड़ी भाजी ना, कोंकणी में से तांबड़ी भाजी बोलते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश या हिंदी में क्या बोलते हैं। और ये जेंडर ने जो तोड़ा वो उसका वही है, वही है, तेरे से दिखाता हूँ, ऐसे तोड़ दिया। वो बहुत बड़ा फ्रेंच बीन आया है, इसको निकाला, देखो इसमें कुछ है, मुझको नहीं पता ये क्या। हाँ, और ये रहा हमारा छोटा सा बेंच। हाँ, जो मामा वॉक कर कर टायर। हाँ, हो गए है, बहुत गर्म है आज, आई कांट सी, लेकिन यस दिस इज़ वेरी सिट, बहुत दिस इज़ अबाउट, जब मैं एक साल का था तो हम यहाँ पर आए थे, सो लगभग कितने साल होंगे, 19 years, ओके, 20 years वी आर स्टेइंग हियर। हाँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए हैं, कुछ और भी, लेमन, वो दैट्स अ लेमन ट्री, या दैट्स बनानास, लेमन्स इन द लेमन ट्री, या दे ऑलवेज ईटन बिफोर वी कैन, या ये ग्रो, ओके, या देखो
एंड हाँ ऐसा वहाँ पर कुछ तो है, बहुत है. टॉकिंग अबाउट हाँ, दिस इज़ वन ऑफ आर नेबर्स हाउस, लेकिन वो कैनेडा में है. दूसरे वहाँ नेबर एक है, बट उसने अपना घर ही तोड़ डाला है, रेनोवेशन कर रहा है. सो या चलो सेकेंड स्पॉट पर जाते हैं. बहुत गर्मी है आज. कोकोनट ट्री, तामदी बाजी, पपीता और बहुत सारे केले के पेड़ और लेमन, राइट? लेमन दे नहीं. कहाँ पे? बी केयरफुल, हाँ थॉर्न्स. ओके लेट इट बी. और ये जो है लेमन ग्रास है ग्रीन टी करने के लिए मुझे लगता है. और ये जो है हम लोगों का पपाया ट्री, ये बहुत बड़ा था. अगर वीडियो है पहले का वो डालूंगा. बहुत बड़ा था, साइक्लोन से गिर गया सैडली. आई रेस्ट इन पीस. जब यू मिला है वो सेम गार्डन जो हम जो गए थे, वो ही गार्डन है. इतना आप देख सकते हो वहाँ पर बनाना ट्रीज, पपीता, कोकोनट वाले बहुत सारे पेड़. नेबर्स ऑल्सो, उनका प्लांटेशन बहुत अच्छा है. गाइस एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को. जब साइक्लोन हुआ था तब मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लॉग वाला, लेकिन वो इन दी एंड डिलीट किया था बिकॉज मुझे लगा कि वो इतना भी अच्छा नहीं था. और सैडली वो आप लोग कभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि डिलीटेड हो गया. नो इश्यूज, लेकिन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल. यहाँ पर जो है दिस इज़ अ फील्ड, फुल फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड. हाँ बहुत सारे. ओके एंड या आई डोंट नो कि आप इस वीडियो में कमेंट कर पाएंगे क्योंकि ये छोटा नमूना है हमारे वीडियो में. और YouTube के कुछ पॉलिसीज है जिसके वजह से जब बच्चे आते हैं वीडियोस में तो अब आप जो है कमेंट नहीं कर सकते हो. वो पता नहीं है क्यों, लेकिन वी विल ट्राई टू सी समथिंग, कुछ देखेंगे. और इस वीडियो के एंड तक देखें बिकॉज हम लोग रिवील करने वाले हैं कि हमारे जो लाइव स्ट्रीम किया था. हाँ लाइव स्ट्रीम किया था हम दोनों ने. हाँ कितने व्यूज आपको पता है ऑलरेडी, अगर आपने चैनल पर देखा 14,000 जो है व्यूज मिला है उसको, लाइव स्ट्रीम को. लेकिन एक क्वेश्चन है, कितना पैसा कमाता है एक नॉर्मल यूट्यूबर? ओके 14,000 के व्यूज पर. ओके स्पेशली जब आप रिसेंटली मोनिटाइज हो जाते हो, हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में. सो आई थिंक होपफुली आपको इतना तक वीडियो पसंद आया. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा. यस हाँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक क्या हर दो वीक में एक व्लॉग तो डालूंगा. कुछ इंटरेस्टिंग है तो ही डालूंगा. व्हाट डू यू फील देन? सो नाउ वी विल गो टू द लाइव स्ट्रीम. सो गाइज वी आर नाउ विद द मोस्ट अवेटेड पार्ट. हाउ मच डज अ नॉर्मल यूट्यूबर अर्न विद 14,000 व्यूज? ओके सो हम रिवील करने वाले हैं अब. हमारे लैपटॉप पर है. जेन व्हाट यू वांट टू से? आई थिंक इट विल बी 50 rupees. ओके प्रिपरेशन 50, आई थिंक 75. सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? टेल इन द कमेंट्स. बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो वेरी एक्साइटेड, राइट? क्योंकि 14,000 जो है व्यूअर्स थे, 14,000. सो देखते हैं कितना आता है. ओके गाइस लैपटॉप पे हम लोगों का इंडिया वर्सेस कतर लाइव फुटबॉल. इफ यू कैन सी इट इज़ ए टीवी. सो दिस इज इट इज़ ए टीवी. सो इंडिया वर्सेस कतर लाइव फुटबॉल मैच, वॉच अलोंग. 14,000 व्यूज, 116 वॉचर्स, 21 सब्सक्राइबर्स, 98 rupees. तो आप देख सकते हो सिर्फ 98 rupees फॉर 14,041 व्यूज. टोटल लोगों ने इम्प्रेशंस का मतलब है कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा नहीं, मतलब क्लिक नहीं किया, सिर्फ देखा है बाहर से. ओके थंबनेल ही देखा है. सो 54,000 क्लिक रेट, 24.4, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया इन 54,000 से, 24% ने क्लिक किया. सो अब लोग पूछेंगे कि भाई इतना कम पैसा? तो मैं बोलता हूँ कि इट इज़ एक्चुअली लॉट. सो विल डू वन थिंग टाइम पास के लिए, कैलकुलेटर जो है हमारा हाई वोल्टेज कैलकुलेटर. सी यू लेटर. इतना बड़ा जो है खोला है. तो आपको पता है कितना जो है हम लोगों का व्यूअर्स थे? वो थे
14,041 ओके, और इनकम आया 98 रुपीज़। सो 98.87 ओके करते हैं डिवाइडेड बाय हम लोगों का 14,041 ओके, और इक्वल टू करके आता है, हाँ तो हर एक व्यू के लिए हमें मिला है सिर्फ 0.007 ओके, मतलब एक पैसा भी नहीं पर व्यूअर के लिए। तो आप देख सकते हो एज ए यूट्यूबर तो इनकम जो है बहुत कम आता है ओके, स्पेशल लाइव स्ट्रीम। आप लोग बोलते हैं कि 14,000 व्यूज़ आए हैं तो बहुत बड़ा का चीज़ है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग ये इट्स वेरी लेस ओके, बहुत कम है। आप देख सकते हो एक पैसा भी नहीं, एक पैसे से कम है। सो इट्स अ बिग थिंग। सो होपफुली गाइज यू ऑल एंजॉय दिस व्लॉग। विद दिस हम लोगों का व्लॉग खत्म हुआ है। होपफुली यू एंजॉयड इट। आपने देखा है लेस देन 1 पैसा पर व्यू। सो थैंक यू जैन फॉर बीइंग देयर इन आवर व्लॉग। हाउ वाज इट? इट वाज क्वाइट गुड एंड अमेजिंग। यस, एंड होप आप लोगों को एंजॉय हुआ है। होपफुली कमेंट्स जो है वो ब्लॉक नहीं हुए, एंड यू कैन कमेंट। सो प्लीज कमेंट गाइस आपको क्या लगता है इस पर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी ऑल इन मोर एक्साइटिंग वीडियोस कमिंग सून इन द नियर फ्यूचर। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।